हाई एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। वेल, लास्ट वीक हमने हमारे चैनल पे एक अनस्क्रिप्टेड वीडियो डाला था जहां हमने आपके कुछ क्वेश्चंस का जवाब दिया है और बैक टेस्टिंग शीट का जो एक्सेल शीट है वो भी हमने शेयर किया है। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट करना। सो दिस वीडियो इज एन अपडेट वीडियो ऑफ 44 मूविंग एवरेज बाय मिस्टर सिद्धार्थ, जो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी बैक टेस्ट किया हुआ है। ये वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रेटेजी को शॉर्ट में देखेंगे और उसको डेली टाइम फ्रेम में टेस्ट करेंगे। अगर आपको स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में जानना है तो आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप इसके बाद वो वीडियो देख सकते हो। हमने इनका पेज स्ट्रेटेजी का भी वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपको भी सजेस्ट होएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो ये वीडियो के बाद उसको भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। एक्चुअली आप सबको शायद पता होगा कि हमारे ACB वीडियो के साथ क्या हुआ है। जिनको नहीं पता, रिजल्ट्स उसका अच्छा नहीं था तो मिस्टर सिद्धार्थ जी ने उसको कॉपीराइट टेकडाउन करके वीडियो डाउन किया था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे बट उसका सॉल्यूशन निकाल के फिर वीडियो वापस ला दिया हमने चैनल पे। मैंने ACB के वीडियो में लास्ट में बोला था कि मैं 44 मूविंग एवरेज वाले स्ट्रेटेजी को भी डेली टाइम फ्रेम में चेक करूंगा और आपको रिजल्ट पोस्ट करूंगा, बट ये सब बीच में प्रॉब्लम्स हुआ था उसकी वजह से मैं अवॉइड कर रहा था कि उनके स्ट्रेटेजी फिलहाल के लिए पोस्ट ना करूं और मैं कंटेंट रिपीटेटिव नहीं करना चाहता था। बट आप लोगों का इतना रिक्वेस्ट था इसलिए अब मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ। और एक और चीज़, 44 मूविंग एवरेज में हमने 3 मूविंग एवरेज यूज़ किया था, बट ये वाले बैक टेस्टिंग के लिए हम मूविंग एवरेज बैंड यूज़ करेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर ये मूविंग एवरेज बैंड के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारी 50 मूविंग एवरेज प्लस BB वाली स्ट्रेटेजी है जो सजेस्ट हो रहा होगा, आप वो देख सकते हो। बट शॉर्ट में सिंपल है कि ये 3 मूविंग एवरेज प्लॉट करता है जहाँ पर सोर्स हाई, लो और क्लोज रहेगा और उसका एक बैंड बना देता है। डिस्क्रिप्शन में इसका ट्रेडिंग व्यू का लिंक होगा, आप वहाँ से इसको ट्रेडिंग व्यू में ऐड करके प्लॉट कर सकते हो। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी को शॉर्ट में देखेंगे जहाँ हम 44 मूविंग एवरेज को स्ट्रेटजी को 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 के इन 4 स्टॉक्स में। और इन स्टॉक को एज ऑलवेज उनके वेटेज के हिसाब से सिलेक्ट किया गया है ताकि ये निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट कर सके और हमें एक अच्छा आइडिया है कि ये इंडियन मार्केट में कैसे काम करता है। सो हाई एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू में MAB ऐड करना है, मूविंग एवरेज बैंड, और इसके सेटिंग्स में पीरियड को 44 कर देना है। ओके, अभी आपको टाइम फ्रेम भी याद से डेली टाइम फ्रेम करना है क्योंकि हम स्विंग ट्रेड के लिए चेक कर रहे हैं। सेटअप से इतना सही है, चलिए रूल्स पे चलते हैं। फर्स्ट रूल है कि 44 मूविंग एवरेज शुड बी इंक्रीजिंग, इसका स्लोप जो है वो हमेशा इंक्रीज होना चाहिए, जो बीच वाला लाइन जो है ना इसका स्लोप हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए। सेकेंड रूल, बाइंग कैंडल शुड टच द जोन, बाइंग कैंडल आपके स्क्रीन पे रहेगा, जब भी ये बाइंग कैंडल बनेगा और वो ये बाइंग कैंडल जोन को टच करेगा आपको बाय करना है। एंट्री वुड बी एट द हाई ऑफ द बाय कैंडल एंड स्टॉप लॉस वुड बी एट द लो ऑफ द बाय कैंडल। सिंस हम स्विंग ट्रेड के लिए चेक कर रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वुड बी 2:1, तो ये रहा हमारा बाय सेटअप। चलिए सिमिलरली रूल्स फॉर सेल एंट्री। फर्स्ट रूल, 44 मूविंग एवरेज शुड बी डिक्रीजिंग, ये जो बीच का लाइन है उसका स्लोप ऐसा डिक्रीज होना चाहिए। सेकेंड रूल, सेलिंग कैंडल शुड टच द जोन, आपके सामने सेलिंग कैंडल डाला है, जैसे पहले बोला हमने ये जो सेलिंग कैंडल है ये जो भी बनेगा ये जोन को टच करना चाहिए। एंट्री वुड बी एट द लो ऑफ द सेलिंग कैंडल एंड स्टॉप लॉस वुड बी एट द हाई ऑफ द सेलिंग कैंडल। अगेन दिस इज अ स्विंग ट्रेडिंग सेटअप तो इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड 2:1 रहेगा। ये रहा हमारा सेल सेटअप। सो आई थिंक स्ट्रेटजी क्लियर है, तो इस स्ट्रेटजी को हम 100 टाइम्स टेस्ट करते हैं और इसकी असली विन रेट चेक करते हैं। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट, आप कंप्लीट टेस्ट को यूट्यूब में प्लेबैक स्पीड स्लो करके भी देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द फास्ट फॉरवर्डिंग।
सो द टेस्ट आर ओवर. जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 100 था, उसमें से 37 आर विन एंड 63 वाज लॉस. सो विन रेट हुआ 37%. टोटल गेन इन अकाउंट वाज 11% एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज -14.78%. कंटिन्यूस विन इन अ रो वाज 5, कंटिन्यूस लूज इन अ रो वाज 11. टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वाज 4 इयर्स. वेल, रिजल्ट इज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. 11% गेन इन 4 इयर्स और ड्रॉडाउन इज ऑल्सो -14.78%. यू कैन स्टिल से द रिजल्ट आर बेटर देन ACV स्ट्रेटजी, बट दैट इज नॉट एन अचीवमेंट. हमने 44 मूविंग एवरेज की इतनी अच्छी तारीफ की थी हमारी लास्ट वीडियो में, बट स्विंग ट्रेड में रियली डिसअपॉइंटिंग था ये. 11% इन 4 इयर्स, इससे अच्छा पैसा FD में डाल दो, ज्यादा रिटर्न मिलेगा. इससे एक चीज हमको ये समझ गया है कि ACB और 44 मूविंग एवरेज दोनों लोअर टाइम फ्रेम में अच्छा काम करता है और हायर टाइम फ्रेम में बहुत पुअर परफॉर्म करता है. आप एक और चीज नोट कर सकते हो, 44 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम में जब हम टेस्ट करते हैं इज वन ऑफ द फ्यू स्ट्रेटजी जिसका ड्रॉडाउन उसके गेन से ज्यादा है. दैट इज अ वेरी बैड थिंग. आई वुड नॉट रिकमेंड दिस स्ट्रेटजी टू anyone. सो आई विल ऐड दिस स्ट्रेटजी टू द गूगल शीट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. एंड दिस टेक्स द थर्ड पोजिशन इन द लिस्ट. यू कैन चेक द लिस्ट and review or rewatch any strategy you like. I hope इस बार मुझे fake copyright strike नहीं आए उनसे और परेशान ना करें मेरे को. So guys, if you like the video, please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification. And do like the video and share the video. अगर आप हमको support करना चाहते हो तो आपको UPI ID screen पे दिख रहा होगा, आप वहाँ हमें कुछ donate कर सकते हो. Please comment में आपका feedback दीजिए और कौन सी strategy आप चाहते हैं कि हम future में test करें ये भी बताइए. आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हैं और दूसरे स्ट्रेटजीज के वीडियो के लिंक भी देख सकते हैं. ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट. मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे. सो सी यू नेक्स्ट टाइम.